एटा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मृतक सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की, जहां कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को संदीप गुप्ता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया और व्यापारी के हत्याकांड पर गहरी चिंता जताई। बताया जा रहा है सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में भाड़े के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे प्रदेश भर के व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई और कार्रवाई भी ऐसी हो कि नजीर बने, कभी कोई दूसरा इस तरह के कदम ना उठाए और उठाने से पहले 1000 बार सोचे। ये हमारा काम है, सरकार का काम है, सरकार इस तरह के काम को करने में पीछे नहीं रहेगी। और मैं यहाँ नीचे नीचे पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई है परिवार के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और निश्चित कार्रवाई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक हफ्ता हो गया है, अभी तक किसी भी तरीके से, आप मेरी बात सुनिए, जिस दिन घटना हुई, FIR हुई, आप सब जानते हैं प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही जो भी ताबड़तोड़ 2-3-4 लोग गिरफ्तार हुए, फिर उसका इनाम बढ़ाया जा रहा है, टीमें लगी हैं, ऐसा यहाँ बताया, लेकिन कुछ अभी परिवार के लोगों ने और गंभीरता से कुछ बातें बताई तो मीडिया में करने योग्य नहीं है, बट कार्रवाई हो दिखे। अलीगढ़ पुलिस लगातार ये कह रही है कि 70% हम खुलासा कर चुके हैं, मगर 30% अभी बकाया है। जो 30% में जो पीछे का सिंडिकेट है, क्या वास्तविक उत्तर प्रदेश पुलिस उसको खुलासा कर पाएगी? पीछे के लोग इसमें मतलब जो अभी तक खुल कर बहुत गले से ऐसा मतलब परिवार का और लोगों का कहना है कि मन से नहीं उतर रहा है, ये कैसा आदमी केवल इतनी सी बात के लिए इतने कर रहा है, इसके पीछे मास्टर माइंड है। 30% में हो सकता है ये सब भी खुल कर क्या है। और मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी छोटी सी छोटी घटना को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिले ऐसे में। और जो अपराधी हैं, इन्होंने अपराध कारित किया है कि 7 पुस्तें 7 नस्लें याद करें, ऐसी कार्रवाई करें।